संविधान के बारे में लिखा है यहाँ कि संविधान बचाओ। ये समय मेरे ख्याल से संविधान बचाने का नहीं है, बल्कि संविधान को बदलने का। इसमें तीन मुद्दे पीछे हमारी नजर में आए। पहला मुद्दा जो इन्होंने 49.5% की रिजर्वेशन को जब बढ़ा के 60% कर दिया और लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया, तो इस संविधान का औचित्य क्या रहे? ये जब 52 में बनाया था तो 49.5 एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसको इन्होंने क्रॉस कर दिया और ये संविधान इनके हाथ में नहीं है, संविधान सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो गया। तो संविधान को बचाने के बजाय संविधान को बदलने की बात करनी चाहिए और ये संविधान दोबारा लिखना चाहिए। उस वक्त अंबेडकर साहब ने जो लिखा था वो तब के हालात को देख के लिखा था। अब देश को आजाद हुए 72 साल हो चुके हैं और बहुत सी चीजें बदली हैं, बहुत चीज हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब ये संविधान लिखा गया था। अब जो इसमें कुरूतियां हम देख रहे हैं उसको देखते हुए इस संविधान को दोबारा लिखना चाहिए, बदलने का। इसको ये बदलते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको बदलती रहेगी कोर्ट। ये आपका SC ST एक्ट था, उसको भी इन्होंने टिंकर किया था, उसको भी छेड़ा था, तो संविधान का औचित्य क्या रह गया जब इसको आप छेड़ रहे हैं? इस संविधान को बदलने के बजाय इसको दोबारा लिखवाइए आप। और कुछ एक कहावत है, मंत्री जी आ जाओ जरा, एक कहावत है, वर्ल्ड इज नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल, वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। दुनिया बुरे आदमियों की वायलेंस से परेशान नहीं है, दुनिया सही आदमियों की साइलेंस की वजह से परेशान। ये हम चीज सब चीजें बर्दाश्त करते आ रहे हैं संविधान पे, और उसी का ये है कि आपका 10% हिस्सा छीन लिया गया और अब वो लोग जो रिजर्वेशन की बातें करते थे अब वो नहीं कर रहे क्योंकि वो भी इसमें आ गए। तो संविधान को दोबारा लिखवाइए, नए नए मुद्दे। अब आप देख रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स, हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा इस संविधान पर डिमांड था। आप नक्सलाइट और इसमें माओइज्म जिसको भी ये फैला रहे हैं, हमारी छोटी छोटी लड़कियां वहां बंदूक के लिए खड़ी, वहां कोई संविधान नहीं चल रहा है। ये संविधान दोबारा लिखना चाहिए और इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। दूसरा, आप EVM की बात कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं आया अभी तक कि EVM से छेड़छाड़, एक भी कोई कह दे कि इससे छेड़छाड़ हो। हमारे मंत्री जी हैं, ये भी 70 में से 67 सीटें जीत का है, प्रूफ लाओ और इसके खिलाफ लड़ो अगर प्रूफ आता है, अदरवाइज सिर्फ बैलेट के लिए जाइए, सिर्फ बैलेट की डिमांड करिए। ये नहीं तो ये PVM का मुद्दा चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं। अमरीका में बैलेट से पोलिंग होती है तो इस देश में क्यों नहीं होती? सारे विपक्ष को एक सूत्रीय एजेंडा में जाना चाहिए कि हम बैलेट से ही कराएंगे। यही से आगे विपक्ष को बोलने नहीं चाहिए, रूलिंग को बोलने नहीं देना चाहिए। हमारी बरादरी को, यादवों को, हर आदमी ये कहता है ये चुनाव कहाँ से आ गया। हमारी बरादरी को, यादवों को इस सरकार ने परेशान नहीं किया है, हम तो इमरजेंसी से होते आ रहे। जब इमरजेंसी लगी थी तो मैक्सिमम हमारे ये शरद यादव, लालू यादव, मुलायम यादव उसी की पटका डाई यहाँ से क्यों करे, अंग्रेज उसके टाइम से होते आ रहे हैं। तो हम तो वहां से परेशान होते आ रहे हैं और हम लड़ते रहे। जो भी सरकार आती वो सोचती यादव हमारे खिलाफ, यादव शब्द अगर मेरे पीछे लगा हुआ तो आई एम अबनॉर्मल मैन, मैं नॉर्मल आदमी नहीं। ये सरकार भी सोच लेती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच लेता है, ये आगे पुलिस भी सोच लेती है ये यादव है एबनॉर्मल आदमी। तो हमें तो टारगेट होना है, अभी 31 या 33 UP में इस इलेक्शन के बाद से अब तक मार दिए, मारेंगे हम नहीं घबराते इस बात से।
अब जहाँ तक आप लोगों ने कहा कि दलितों का अत्याचार हो रहा है, हमारा ये अहिरवाल का इलाका है, कोई भी एक दलित कह दे कि यहाँ पे अत्याचार यादवों की तरफ से, इतना भाईचारा है आपस में हमारा, मतलब उनकी बेटी है तो हमारी है, ब्याह शादी है उनकी तो हम करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। तो ये कुछ जगह हो सकता है लेकिन हमारी बरादरी में ऐसा कुछ नहीं, और हम टारगेट हैं, हम लड़ रहे हैं सरकार से यूपी में भी, और बिहार का सीएम जैसा मंडी मैंने आदमी नहीं देखा। 161 आदमी मर गए हैं, ये बच्चे मर गए हैं, और वो आदमी ये कह रहा है कि मैं एम्स के लिए जगह नहीं दूँ, उसका डिप्टी सीएम कह रहा है मैं एम्स के लिए जगह नहीं दूँगा, यहाँ उसका खुद का बच्चा मरता तब उसे पता चलता, और ये इसी साल से नहीं मर रहे हैं, पता नहीं कब से मर रहे हैं, या तो मीडिया हाइप है तो ये बातें उछल रही है, हर साल 20-30-50 जरूर मरते हैं, उसका इलाज आज तक ये, मैं इसको कम से कम 30 साल से मैं सत्ता में देख रहा हूँ नीतीश कुमार, इससे घमंडी और अक्खड़ और एक किस्म से बेईमान नियत का आदमी मैंने नहीं देखा। ऐसे लोग जब तक सत्ता में रहेंगे ये बच्चे हमारे मरते रहेंगे और इसी तरह परेशान रहेंगे। तो आप संविधान को बचाने के बजाय इसकी को दोबारा लिखवाइए, तभी इस देश का कुछ कल्याण होगा। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।